सीरियल ससुराल सिमरका के अपकमिंग एपिसोड में सीधी सादी माताजी को अब किसी भूत ने अपने वश में कर लिया है और परिवार के सदस्य माताजी के इस बदले अंदाज को उनका पागलपन समझ बैठे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं इस शो के सेट पर जहां इस सीन की शूटिंग चल रही है और सुनते हैं कि माताजी की इस सिचुएशन के बारे में सिमर का क्या कहना है। हाँ, स्पेशली व्हेन इट्स माताजी, बिकॉज आई थिंक माताजी और सिमर की बॉन्डिंग ओवर द इयर्स बहुत ही स्पेशल हो गई है। इट स्टार्टेड फ्रॉम माताजी बीइंग अगेंस्ट मी इन द हाउस। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी जब उन्हें सब कुछ सच्चाई पता चली थी, फिर कैसे धीरे धीरे मैं उनका दिल जीत पाई और सब कुछ ठीक हो गया। और आज ये स्टेज आ गया है जब माताजी इतना बदल गई हैं और हम जानते हैं कि ये हमारी माताजी नहीं है। कल तक ठीक था, सिर्फ वो एग्रेशन में थी। हमारी माताजी हमारे हम पर सख्त हो रही थी, वो ठीक था, लेकिन आज उनकी हरकतों में बदलाव दिख रहा है। वो अजीब से बाल खोलकर बैठी हुई है, वो सुपारी खा रही है जबकि माताजी को पान वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत अजीब भाषा में बात कर रही है जबकि माताजी बहुत डिग्निफाइड तरीके से बात करने वालों में से है। तो हाँ, ये सब बहुत अजीब है। समर, जब भी आपके घर में कोई कठिनाई आती है तो समर ही जेम्स बॉन्ड बन जाती है, तो समर को कहीं जहन में लग रहा है कि कोई भूत प्रेत का मामला है? जहन में लगने का सवाल अभी रहा ही नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे था। क्योंकि जब मैं गुरु माँ को घर लेकर आई थी तो उन्होंने साफ शब्दों में हमें बता दिया था कि हमारे घर पे 3 अतृप्त आत्माएँ हैं। तो अभी जहन में क्वेश्चन मार्क आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डेफिनेटली है, 3 है, पर वो कौन है, क्यों है, ये सब हमें पता लगाना है। एक है जो कि छोटी दुल्हन है, जिसे मैं देख चुकी हूँ, वो एक ही है जो मुझे दिखती है। बाकी कहाँ है, क्यों हमें परेशान करें, ये सब जानना भी बाकी है। गुरु माँ आपके इकलौता सहारा थी मेरे ख्याल से, अब वो भी नहीं रही, तो आप आगे नहीं हैं? किसने कहा नहीं रही, क्यों, अच्छी हट्टी कट्टी हैं, हॉस्पिटल में हैं। मैं उन्हीं से मिलने गई थी और हम दोनों यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे सच्चाई के बारे में जान सकते हैं। देखने वाली दिव्य आत्माएं और आत्मा को देखने और परखने वाली वो दृष्टि, मैं पाताल लोक गई थी ना, तो उसका कोई तो एडवांटेज होना चाहिए। थैंक यू।